पुरानी दिल्ली के टाउन हॉल में आज सामाजिक कार्यकर्ता परिषद ने आर्थिक रूप से कमजोर 400 बच्चों को मुफ्त में कॉपी और स्टेशनरी वितरित की गई। ये संस्था करीब 53 सालों से आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को मदद करती आ रही है। इस संस्था के सबसे बड़े खासियत यह है कि ये संस्था बगैर धार्मिक भेदभाव के बच्चों को निस्वार्थ रूप से कॉपी किताबें वितरित कराती है। इसके साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता परिषद उन लोगों की मदद भी करती है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है। उनके लिए यह संस्था गरीब परिवार की लड़कियों की शादी के लिए भी मदद करती आ रही है। इस मौके पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर ने कहा कि समाज में ऐसी सामाजिक संस्थाओं का योगदान सराहनीय है जो कि सरकारी आर्थिक सहायता के बगैर इतने बड़े कार्यक्रम को आयोजन कर बच्चों की शिक्षा को प्रसार कर रही है। ऐसी संस्थाओं को निगम से आर्थिक मदद भी मदद दिलाने की कोशिश करेगी। ये सामाजिक कार्यकर्ता परिषद की तपस्या है। संस्थाएं लगभग बनती हैं टूटती हैं। 52 वर्ष का जो सफर पूरा किया है अपने आप में निशान है। और छोटे बच्चों को गरीब बच्चों को कॉपी किताबें देना इससे बड़ा कोई काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद निगम का जरूर पढ़ाऊँ, मुझे मालूम है कितनी दिक्कत होती है। अगर बच्चे को विद्या की सामग्री मिल जाएगी, बुक्स किताब हो गई, कॉपी पेंसिल हो गए, तो वो आगे बहुत आगे जा सकता है। और ये उसके लिए काम कर रहे हैं। मेरा इंडो कोटी को नमन है और धन्यवाद करता हूँ। ऐसी संस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए क्या निगम की तरफ से कुछ आर्थिक सहायता भी दी जाएगी? क्या निगम की तरफ से क्या सहायता हम कर सकते हैं ये तो मैं अधिकारी से बात करके बात बता सकता हूँ। अगर हमारे अधिकार में होगा तो मैं सबसे पहले ऐसी संस्थाओं को पूर्ण सहायता करूँगा जो कि ऐसे बच्चों के लिए काम करती है, क्योंकि लगातार आप कहते शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए जो निगम काफ़ी काम कर रहा है। शिक्षा प्राथमिकता है और इस प्राथमिक जो भी संस्था काम कर रही है उनसे मैं बात करूँगा, अधिकारी से बात करूँगा, जो मदद हो पाएगी मैं हमेशा करने को तैयार हूँ। ठीक जी, लगातार ये संस्था पिछले 53 सालों से आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए करती आ रही है, तो कितना सहयोग कितना अच्छा है। देश के अंदर ही नहीं पूरी दिल्ली के अंदर जो ऐसी सामाजिक संस्था है जिसमें अग्रणी रूप से सामाजिक कार्यकर्ता परिषद है, ये लगातार 53 वर्षों से सेवा कर रही है। और ये रवीन भाई आ जाओ। हेलो सर, एक बार नाम विपिन कुमार आनंद प्रकाश जैन, सामाजिक कार्यकर्ता परिषद जो कि हर वर्ग के छात्रों को 53 वर्षों से पाठ्य पुस्तकों के द्वारा एवं स्टेशनरी वितरण के द्वारा सहायता प्रदान कर रही है। इस संस्था में बगैर किसी भेदभाव के सभी वर्गों के छात्रों को उचित रूप से उनको स्कूली शिक्षा के लिए किताबें प्रतिवर्ष दी जाती थी। सरकार द्वारा छात्रों को इस पाठ्य पुस्तकें स्कूलों में देने के बाद से पाठन सामग्री वितरित की जा रही है। संस्था पिछले 52 वर्षों से लगातार समाज की सेवा में जुड़ी हुई है। इसी कड़ी में हम लोग एलोपैथी और होम्योपैथिक डिस्पेंसरी के द्वारा लोगों के स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रख रहे हैं और समय समय पर वृद्ध लोगों को चश्मे का वितरण किया जाता है जो कि पूरी तरह से निःशुल्क रहता है। इस संस्था में सिर्फ 10 रुपये के द्वारा ही हम लोगों को दवाइयाँ उपलब्ध कराते हैं और संस्था इसी तरह से समाज के हर वर्ग को अपने साथ जोड़कर चलती है। विपिन जी, सबसे बड़ी बात है कि बिगैर किसी सरकारी आर्थिक सहायता के पिछले लगातार 50 सालों से भी ज़्यादा समय से आपको कितना मुश्किल रहता है संस्था के लिए। संस्था किसी भी सरकारी अनुदान को नहीं लेती है। संस्था के द्वारा जो भी ये कार्य करे जाते हैं ये समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा हमारे डोनर्स द्वारा इनपे हमें सहयोग मिलता है। ये ठीक बात है कि हमें कई बार कठिनाइयां भी आती हैं, लेकिन क्योंकि ये एक कार्य सुचारू रूप से चल रहा है इसलिए जो भी समाज के भाई हैं हमें दिल खोल कर दान देते हैं, तो हमें कभी भी इस तरीके से कभी सरकारी सहायता की आवश्यकता अनुभव नहीं हुई। विपिन जी, एक सबसे बड़ा सवाल है कि बिगर किसी भेदभाव के धर्म के जाति के भेदभाव के बिगर आप अपने छात्रों या बच्चों जो है उनको आपकी सरकार
समाज में हम लोग ये नहीं देखते कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है। एक बिगर भेदभाव के सभी वर्गों के छात्रों को हमें एक ही लक्ष्य है, सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य। तो संस्था के पूर्व कर्णधारों द्वारा इस संस्था को बहुत छोटे पैमाने पर चालू किया गया था। मेरे मुझे पिता श्री श्री आनंद प्रकाश जी इस संस्था से 40 साल पहले जुड़े थे और हम पिछले 25 वर्षों से वो इस संस्था के प्रधान रहे। उन्होंने अपने कार्यकाल में कभी भी संस्था को वित्तीय एवं आर्थिक रूप से कोई परेशानी नहीं आने दी और इसका स्केल पहले मात्र 10-20 बच्चों से था, जो आज बढ़कर 1000-2000 बच्चों तक पहुँच गया है। तो ये सब हमें बगैर किसी सरकारी सहायता के समाज के दानी महानुभाव द्वारा प्रदान किए गए सहयोग का ही फल है, जो आज हम इसे सुचारू रूप से चला पा रहे हैं।